At this time, I'm going to ask that you fasten your seatbelts. तो पायलट की अनाउंसमेंट हो चुकी है और आप आराम से बैठ जाइए। दुबई टू उमर क्वीन काइट भी जा रहे हैं। और हाँ, बीच में चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वो घंटी दबा दीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक हो। और हम लोग आए हैं काइट बीच सेंटर, जो उमर क्वीन में है, जो दुबई से लगभग 1.5-2 घंटे का ड्राइव है। और ये काफ़ी हैपनिंग बीच है, आप लोग एक बार इधर ज़रूर आना चाहिए। और जैसे कि इंट्रो में बताया था, मैं फ़्लाइट से नहीं आया हूँ, बट हम लोग गाड़ी लेके आए हैं। तो थोड़ा पीछे चलते हैं और व्लॉग को पीछे से स्टार्ट करते हैं। फाइनली काइट बीच सेंटर उमर क्वीन। चलिए दोस्तों, अब म्यूजिक को थोड़ा सा चेंज करते हैं और अंदर एंटर करते हैं। सॉरी दोस्तों, आप लोग व्यू एंजॉय कर रहे थे और मुझे पता है मैं बीच में आके डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप यहाँ पे आके एक ड्रिंक लेके बैठ सकते हो, लगभग 40-45 दिरहम का ये पिना कुलाड़ा मुझे पड़ा। और अगर आपको बीच पे एक्सेस चाहिए तो दे विल बी गिविंग यू पिंक बैंड, जो आप पहन के स्विम कर सकते हो और बीच पे जा सकते हो। बट अगर आप वो नहीं लेते हो तो आप बीच साइड पे नहीं बैठ सकते हो, आपको कैफ़े में ही बैठना पड़ेगा अंदर। ओके, और उसके अलावा यहाँ पे जिम भी है, उसके भी कुछ चार्जेस है जो मंथली चार्जेस है एंड पर डे भी है। उसके अलावा यहाँ पे टेंट टाइप बना है जहाँ पे आप होल डे आके इंजॉय कर सकते हो, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगा और उसके चार्जेस भी आपको बताऊँगा। एंड ओके, we'll be right back।
तो दोस्तों मैं इस टेंट की बात कर रहा था जहाँ पे ऊपर भी बैठने की अरेंजमेंट है, जो यूजुअली वीकडेज में तो 250 होता है बट वीकेंड में इट गोज़ अप टू 300। और यहाँ पे बैठ के सनसेट इंजॉय करने का मज़ा ही कुछ और है। आप अपने फ्रेंड्स फैमिली दोस्तों के साथ एटलीस्ट 7-8 जन आइए साथ में और यहाँ पे बैठ के बीच का लुफ्त उठाइए। बस दोस्तों व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है। बस इतना ही कहूँगा कि आखिर में हमारी मेहनत पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन वाली बेल प्रेस कर दो ताकि और नए कंटेंट बनाने का मन किया जाए। आपके सपोर्ट से हमें मन करता है कि रोज़ सुबह उठे और नए नए वीडियो बनाए, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही दीजिए। आपका अपना SJ।